वेलकम बैक टू माय चैनल पी डॉट प्रिया बीडी सीक्रेट्स। आई होप यू ऑल वेल। आज मैं आप सबके साथ जो वीडियो शेयर करने वाली हूँ, इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप एक फ्रूट फेशियल वो भी मैंगो की मदद से कैसे कर सकते हैं, वो भी बहुत ही ज़्यादा इजी मेथड में आपको बताऊंगी ताकि आप लोगों को ज़्यादा झंझट भी ना हो। और इसके साथ आपको जो जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ करने हैं वो आपको आपकी किचन में इजीली अवेलेबल हो जाएंगे, तो ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है इस फेशियल को करते हुए। और अगर आप लोग क्लिंजर करना चाहते हैं, फेशियल नहीं करना चाहते हैं, तो इसमें आप लोग एक स्टेप स्किप कर सकते हैं, तो वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी कि वो कौन सा स्टेप है जो आप स्किप कर सकते हैं। सो चलते हैं इस वीडियो की तरफ, जिसमें कि मैं यूज़ करने वाली हूँ एक मैंगो का। आप लोगों को जैसे कि पता है अभी सीजन भी चल रहा है मैंगो का, तो इजीली अवेलेबल हो जाएंगे आम हम सबको, तो आप लोग इससे फेशियल कर सकते हो और अपनी स्किन को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हो, अपनी स्किन को ब्राइटन कर सकते हो। और जितने भी सन टैन की वजह से हमारी स्किन में जो प्रॉब्लम्स आ जाती है, रैशेज हो जाते हैं, उसमें भी आम हमारी बहुत ज़्यादा मदद करता है, उन प्रॉब्लम्स को कम करने में आम बहुत ज़्यादा मदद करता है हमारी। तो चलते हैं इस फेशियल की तरफ और देखते हैं हम कौन कौन से ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जिसका इस्तेमाल करने वाले आज इस फेशियल में। सो चलते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ पर अब मैं ले रही हूँ एक पूरा आम। ये फेशियल है, ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए है, ब्लेमिशेस को हटाता है। यहाँ पर अब मैंने इसकी एक ही स्लाइस लूँगी क्योंकि इस एक स्लाइस में ही हमारा फेशियल हो जाएगा, क्योंकि हमें 1 टेबलस्पून ही चाहिए हर एक इंग्रेडिएंट को बनाने में, हर एक स्टेप को बनाने में। तो अच्छे तरीके से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे इसको, सिर्फ निकालना है, अच्छे तरीके से एक्सट्रैक्ट करेंगे इसको। आप ये देख सकते हैं, अब आप इसको सिर्फ स्पून की मदद से ही एक पेस्ट बना सकते हैं, या फिर आप इसको ब्लेंड भी कर सकते हैं, पर ब्लेंडिंग से इतना अच्छा नहीं आएगा, वो जूसी हो जाएगा। तो मैंने इसको स्पून की मदद से ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। यहाँ पर मैं लगा रही हूँ एक हेयर बैंड ताकि बाल परेशान ना करें फेशियल करते समय। अपने फेस को अच्छे तरीके से क्लीन कर लेंगे। यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ टिशू का, आप कोई कॉटन का हैंकी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब ये देख लेते हैं, सबसे पहला स्टेप हमारा, 1 टेबलस्पून मैं पल्प लूँगी। इसके अंदर मुझे 1 टेबलस्पून रॉ मिल्क यानी कि कच्चा दूध मिलाना है मुझे। अच्छे तरीके से एक मिक्सचर बनाना है, ना ज़्यादा पतला हो ना ज़्यादा मोटा हो। ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए हमारे मिक्सचर की। अब हम इसको फेस पर अप्लाई करेंगे। आप ये देख सकते हैं मैंने फेस अभी साफ़ कर लिया था, अपनी फिंगर्स की मदद से लेंगे हाथ पर और इसको फेस पर अप्लाई करेंगे। पूरे फेस को अच्छे तरीके से क्लींस करना है। मिल्क जो है वो क्या काम करता है, जो भी पिगमेंटेशन होती है उसको रिमूव करता है, हमारी स्किन को हाइड्रेट करता है, सनबर्न हो गया होता है तो उसमें हमारी काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। और क्लींजर क्या करता है, क्लींजर करने का फ़ायदा क्या होता है, हमारी स्किन पे जितना भी डर्ट होता है, मेकअप होता है, उसको क्लीन कर देता है, हमारे फेस को रेडी कर देता है कि हम फेशियल कर सकें या फिर कोई भी हम अपने फेस को ट्रीटमेंट दे सकें। इसीलिए क्लींजर करना ज़रूरी होता है, सो इसीलिए इसको फर्स्ट स्टेप रखा जाता है। आप ये देख सकते हैं, स्टेप्स आप देखते रहें, आपको इसी तरीके से करने हैं। 2 मिनट तक क्लींजर करना है आपको, उसके बाद आप अपने फेस को वॉश कर सकते हैं। अब मैं फेस वॉश करके आती हूँ। अब आप ये देख सकते हैं मैंने फेस वॉश कर लिया है। एक बार फिर भी सेकंड स्टेप की तरफ जाने से पहले टिश्यू से मैं अपने फेस को क्लीन कर लूँगी। तो आप ये देख सकते हैं ये हो गया है। अब मैं सर सेकंड स्टेप है, सेकंड स्टेप में हम ले रहे हैं ओट्स। आप ये देख सकते हैं दलिया, ये साबुत दलिया है, इसको मैंने थोड़ा सा कूट लिया है। कूटने के बाद इसको दरदरा रखना है, हल्का सा दरदरा। तो मैं ये ले रही हूँ 1 टेबलस्पून और इसके अंदर मैं मिक्स करूँगी 1 टेबलस्पून पल्प। अब इसमें पल्प मिक्स करेंगे 1 टेबलस्पून। अच्छे तरीके से मिक्स करना है दोनों को। अगर आपको किसी भी इंग्रेडिएंट की थोड़ी सी ज़्यादा ज़रूरत होती है तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज़ इतना इनफ होगा। अब मैं इसको लूँगी और इसको अपने फेस पर आपको अप्लाई करना है फिंगर्स की मदद से। ये थोड़ा सा थिक होता है तो इसको पहले लगा लेंगे फेस पर, उसके बाद आप मसाज करना स्टार्ट करेंगे जिस तरीके से मैंने पहले लगा लिया है इसको, और बाद में अपनी फिंगर टिप्स की मदद से लेंगे और इसको अच्छे तरीके से मसाज करेंगे। स्क्रब को हमेशा फिंगर्स की मदद से ही धीरे धीरे करना चाहिए, अपना हाथ एकदम हार्ड नहीं रखना चाहिए, क्योंकि क्या होता है स्क्रब करते हुए जो जिनकी पॉन एक्ने पिंपल स्किन होती है उनको वरना प्रॉब्लम हो जाती है। सो सबसे ज़्यादा मेन जो चीज़ है हमने इसमें मिलाया ओट्स, जो कि डेड सेल्स को, ब्लैक हेड्स को, वाइट हेड्स को ख़त्म करता है और हमारे जो एक्ने के या फिर डार्क स्पॉट्स हो जाते हैं या फिर जो ब्लेमिशेस के निशान होते हैं उनको भी कम करने में मदद करता है।
सो आप इसमें ओट्स की जगह चावल का आटा भी मिला सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा काम करता है। अगर आपके पास दलिया नहीं है तो आप चावल का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो आप स्टेप्स को देखते रहें और धीरे धीरे आपको अप्लाई करना है ये फेस पर, धीरे धीरे मसाज करनी है आपको इससे। अपने टी जोन एरिया पर आप ज़्यादा करें, क्योंकि टी जोन एरिया पर ही हमें ब्लैक हेड्स की और वाइट हेड्स की प्रॉब्लम होती है, ताकि हम जिनके भी ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स हैं वो इससे रिमूव हो जाएं इस फेशियल की मदद से अच्छे तरीके से। ये जो स्टेप है ये जिनके ब्लैक हेड्स हैं उनके लिए बहुत अच्छे रहते हैं। आप ये देख सकते हैं इसको फिनिश कर दिया है मैंने अब यहाँ पर। अब अपना फेस वॉश कर लेंगे और उसके बाद आप ये देख सकते हैं मैं दोबारा से टिशू से अपने फेस को क्लीन कर लूँगी। और ध्यान रखें टिशू को भी साथ में बार बार धोएं, एक ही टिशू को बार बार इस्तेमाल ना करें। अब ये मैंगो पल्प सिर्फ एज अ क्रीम मसाज करेंगे हम इससे फेस पर। ये हमारा थर्ड स्टेप है एज अ क्रीम मसाज करेंगे पूरे फेस पर अच्छे तरीके से। आम बहुत सारे तरीके से मदद करता है, एक नेचुरल मॉइस्चर है इसके अंदर जो कि हमारी स्किन को भी मॉइस्चर देता है, ब्राइटन करता है स्किन को परफेक्ट बनाता है और प्रोटेक्ट करता है धूल मिट्टी से, पॉल्यूशन से, अगर टैनिंग हो गई हो फेस पर उससे, फ्रेश रखता है, ग्लोइंग बनाता है हमारे फेस को। तो काफ़ी सारे वर्क करता है आम हमारी स्किन पर। सो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है इसका फेशियल भी हमारे स्किन के लिए। अगर आप लोग सिर्फ क्लिंजर करना चाहते हैं तो फिर आप ये थर्ड स्टेप यानी कि ये जो क्रीम का स्टेप है सिर्फ मैंगो पल्प के साथ इसको हटा सकते हैं। सिर्फ क्लिंजर में आपको तीन ही स्टेप करने होंगे, क्लिंजर, स्क्रब और पैक। और आप अगर इसमें चाहें तो आप विटामिन ई का कैप्सूल भी मिला सकते हैं, वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। सो आप देख सकते हैं सारे स्टेप्स आप वो भी कर सकते हैं जो आप करते हैं या फिर जो आपको आते हैं। मसाज अच्छे तरीके से करने से फेस में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। अगर थोड़ा सा भी पल्प हार्ड हो जाए मसाज करते हुए या थिक हो जाए तो आप रोज़ वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं ये हो गया है, मैंने फेस वॉश कर लिया है और उसके बाद मैं अगेन एक बार टॉवल से साफ़ कर लूँगी फेस को। ज़्यादा रब नहीं करेंगे फेस को, हल्का हल्का अपने फेस को क्लीन करेंगे। आप ग्लो साथ के साथ देख सकते हैं। अब जो हमारा लास्ट स्टेप है इसमें मैं लूँगी एक टेबलस्पून पल्प और इसमें हम मिक्स करेंगे बेसन। हम अपने अकॉर्डिंग मिक्स कर सकते हैं और अगर वो थोड़ा सा थिक लगे तो उसमें आप थोड़ा सा और मैंगो पल्प डाल के उसको मिक्स करें अच्छे तरीके से। एक पेस्ट बनाना है, थिक पेस्ट बनाना है ताकि हमारे फेस पर अच्छे तरीके से अप्लाई हो सके। इसमें आप हल्दी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हल्दी मिला सकते हैं इसमें। सो अब आप इसको फेस पर अप्लाई करेंगे। बेसन में बहुत सारे चीज़ें होती है जो कि हमारी स्किन के लिए फ़ायदेमंद होती है। ये हमारी स्किन को सूथन करती है, ब्राइट करती है हमारी स्किन को, सॉफ्ट बनाती है, सपल बनाती है, जिसके कि हम काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे इफ़ेक्ट्स होते हैं हमारी स्किन पर। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा नॉर्मली बेसन का इस्तेमाल काफ़ी पुराने टाइम से हमारे फेस और स्किन के लिए किया जाता है। आप इसकी एप्लीकेशन देख ही रहे हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर की तरफ हमें लगाना है। आप इसका इस्तेमाल ब्रश से भी कर सकते हैं, पर मैंने इस फेशियल में कहीं पर भी ब्रश का इस्तेमाल इसीलिए नहीं करा है क्योंकि ये एक फ्रूट फेशियल है, फ्रूट से बना हुआ है और फिर अगर हम इसमें किसी ब्रश की हेल्प लेंगे तो वो ब्रश में ही आंधा फंस जाएगा। सो इसीलिए अपने फिंगर्स का इस्तेमाल करें, क्योंकि लेकिन अपने हाथों को अच्छे तरीके से वॉश कर लें ये करने के बाद। और जब ये थोड़ा सा टाइट हो जाता है, सूख जाता है, तो आप स्प्रे करें रोज़ वाटर, उसके थोड़ी सी देर आप इसको रख सकते हैं दोबारा सूखने तक, उसके बाद आप इसे वॉश कर सकते हैं अच्छे तरीके से। ये आप देख सकते हैं फेस को, ये अच्छे तरीके से मैं एक बार क्लीन कर रही हूँ फेस को टिश्यू की मदद से। प्लेन वाटर का ही इस्तेमाल करना है फेस को वॉश करने के लिए। अब ये हो गया है हमारा फेशियल कंप्लीट। आई होप आप सबको मेरा ये मैंगो फेशियल पसंद आया होगा। बहुत ही ज़्यादा इजी बनाने की मैंने कोशिश करी है, साथ साथ आपको इंग्रेडिएंट्स भी बता दिए हैं जो आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हो या फिर जो एक्स्ट्रा आप मिला सकते हो। सो आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो रेड सा बटन है उस पर क्लिक ज़रूर कर दें और उसके साथ में एक बेल बटन है
उसको ऑन करना ना भूले ताकि आप लोगों को मेरी नोटिफिकेशंस मिलती रहे और आप मेरी वीडियोस के साथ अप टू डेट रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर, नमस्ते।